देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दिन की सुबह 10 बजे जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकला तो मेरे पास काफी वक्त था स्टेशन पहुंचने के लिए, मगर रेलवे स्टेशन काफी दूर होने के कारण मुझे घर से जल्दी ही निकलना पड़ा। जब मैं बस पकड़ने के लिए गांव के बाजार पहुंचा तो रास्ते में मुझे मेरा पुराना दोस्त चंचल मिला। वो वहीं चाय पी रहा था और जैसे ही उसकी नज़र मेरे हाथों के बैग पर पड़ी तो उसने पूछते हुए कहा, अरे भाई ये बोरिया बिस्तरा लेकर कहाँ को लो रहा है तू? इस पर मैंने उसे हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार तुझे तो पता ही है वो काम धंधे के लिए वापस शहर जा रहा हूँ ना, 7 बजे की ट्रेन है। मेरी बात सुनने के बाद चंचल ने कहा, 7 बजे की ट्रेन है तो अभी स्टेशन जाने का क्या मतलब है तेरा? इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ यार वो तो मालूम है, मगर तू शायद भूल गया है कि शाम को कोई भी बस नहीं है रेलवे स्टेशन के लिए। इतने में चंचल ने मेरे से PNR नंबर पूछते हुए अपना फोन निकाला। चंचल ने वो नंबर चेक किया, फिर कुछ और सर्च करने के बाद उसने बताया कि मेरी ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है और जो ट्रेन का अराइवल टाइम है वो है रात के 1 बजे का। ये जानने के बाद मेरी थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी, मगर जाना तो मुझे फिर भी था। तभी चंचल ने कहा, अभी स्टेशन जाकर क्या करेगा तू, ऐसा कर मेरे साथ घर चल और जब रात को मैं 10 बजे ट्रक लेकर निकलूंगा ना तो तेरे को भी स्टेशन छोड़ता चलूंगा। चंचल की बात सुनकर मुझे भी लगा कि अभी स्टेशन पहुंचकर कोई फायदा नहीं है, वैसे भी चंचल रात में स्टेशन मुझको छोड़ ही देगा तो इसके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं चंचल के साथ उसके घर चला गया। खाना पीना और यहाँ वहाँ की बातें करने में कब वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब रात के 10 बजे तो हम दोनों घर से निकले। स्टेशन पहुँचने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता, यानी कि 11 बजते मैं स्टेशन पहुँच ही जाता, मगर जब हम रास्ते में थे तो अचानक ही ट्रक बंद हो गई। चंचल ने ट्रक की अच्छे से जाँच की मगर उसे कोई खराबी पकड़ में नहीं आई और अंत में थक हार कर वो बोला, सॉरी यार इस ट्रक ने तो धोखा दे दिया, मगर तू चिंता मत कर मैं अभी किसी मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर चंचल वहाँ से मैकेनिक ढूंढने के लिए अकेला ही चला गया। उसके जाने के तकरीबन जब 15 से 20 मिनट हो गए और वो तब भी नहीं लौटा तो मुझे चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब रात के 11 बज चुके थे और यहाँ से अभी भी स्टेशन 30 मिनट की दूरी पर था। मतलब कुछ और पल की देरी और मेरी ट्रेन छूट जाती। तभी मुझे चंचल आता हुआ नजर आया, मगर वो अकेला ही था, मतलब उसे कोई मैकेनिक नहीं मिला। चंचल मेरे पास आया और बोला, यार मैकेनिक तो बहुत ढूंढा मगर कोई मिला ही नहीं, मगर तू चिंता मत कर आगे एक बस स्टॉप है, मैंने पता किया है अभी भी एक बस आने वाली है जो रेलवे स्टेशन ही जाएगी, तू जा अब देर मत कर। मैंने फिर तुरंत ही अपना बैग उठाया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। आगे लगभग 3 से 5 मिनट चलने के बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। उस बस स्टॉप पर पहुंचने के तकरीबन 5 मिनट बाद भी कोई बस नजर नहीं आई, मगर बस के आने और जाने की आवाज़ें जरूर आ रही थीं और मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बस की आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। तभी एक आदमी वहीं से गुजर रहा था और जब उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो रुका और मेरे से बोला, अरे भाई साहब कहीं बस का तो वेट नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर? इस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ मगर अभी तक तो कोई बस आई नहीं है। तभी वो आदमी जवाब देते हुए बोला, और आएगी भी नहीं क्योंकि ये पुराना बस स्टॉप है, अब बस यहाँ नहीं आती, आप चलो मेरे साथ आगे दूसरी लाइन में बस आएगी, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। फिर उसके कहने पर मैंने अपना बैग उठाया और उसके साथ चल दिया। आगे मुड़ते ही एक और बस स्टॉप नजर आया और वहाँ पर एक बस भी खड़ी थी। मैं तो बस में चढ़ गया मगर वो आदमी बस में नहीं चढ़ा, शायद उसे कहीं और जाना था। बस में चढ़ते ही बस भी खुल गई। बस में जो भी 10 से 12 पैसेंजर उस वक्त बैठे हुए थे वो भी बहुत ही शांत गुमसुम नजर आ रहे थे। खैर मुझे तो चिंता इस बात की थी कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा बस रेलवे स्टेशन पहुंचने का वेट कर रहा था कि तभी वो बस रेलवे स्टेशन को
क्रॉस करके आगे निकल गए। मैं ये देखते ही चिल्लाते हुए बस ड्राइवर से बोला, अरे 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 भाई साहब बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। मगर वो बस ड्राइवर मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। तभी बस रोड से उतरकर एक कच्चे रास्ते से होते हुए रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ी हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बस गलती से ट्रैक पर आ खड़ी हुई है या फिर जानबूझकर बस ड्राइवर ने बस यहाँ रोकी है। तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। सामने देखा तो एक ट्रेन आती हुई नजर आई। मैं ट्रेन को देखते ही चिल्लाते हुए बोला, उतरो बस से वरना सारे मारे जाओगे। मैं ये बोलते हुए बस से उतर ही रहा था कि बस के बाकी के पैसेंजर्स ने मुझे पकड़ लिया और वो सारे मेरे को बस से उतरने ही नहीं दे रहे थे। मैं चिल्लाते हुए उनसे कह रहा था, अरे पागल हो सालो, खुद तो मरोगे और साथ में मेरे को ही मरवाओगे। मगर वो सारे तब भी चुप ही थे। पर मैं कैसे भी करके बस से उतर गया और तभी वो ट्रेन उस बस को टक्कर मारते हुए वहां से गुजर गई। मगर ट्रेन के गुजर जाने के बाद वहां उस बस का कोई नामो निशान नहीं था। मैं भागता हुआ स्टेशन पहुंचा और फिर कुछ ही देर में मेरी ट्रेन भी आ गई। पूरे सफर में मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या था। इस हादसे के कई दिनों बाद मुझे पता चला कि बहुत पहले एक बस एक अनाड़ी बस ड्राइवर के कारण सड़क से उतरकर ट्रैक पर चली गई थी और उसी वक्त ट्रेन भी आ गई। कुछ लोग तो उस बस में से उतरने में कामयाब रहे जिसमें वो अनाड़ी बस ड्राइवर भी था, मगर 10 से 12 लोग ट्रेन की चपेट में मारे गए जिसके चलते बाकी बची हुई सवारियों ने अपना सारा गुस्सा उस अनाड़ी ड्राइवर पर उतारा और उसे मार मार के जान से मार दिया। जिसके बाद से वो बस ड्राइवर लोगों को बस में बिठाकर ऐसे ही बस को ट्रैक पर खड़ा कर देता है जिसके चलते कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।